जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन 2022 के फर्स्ट पेपर में दो क्वेश्चन आए थे और उन्हीं दोनों क्वेश्चन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे यहां पे। पहला क्वेश्चन, जीरो से पाई बाय फोर इंटीग्रेशन करना है डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन और कोस की बात हो रही है, जीरो से लेकर पाई बाय फोर इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन में है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका होल स्क्वेयर है। मैंने क्या किया, कोस स्क्वेयर एक्स से ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वेयर एक्स से नीचे वाले को भी डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को अगर आप कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करोगे तो वन बाय कोस स्क्वेयर जो होता है वो सीकेंट स्क्वेयर हो जाएगा, ऊपर तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको जब कोस स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर जाकर कोस एक्स बन जाएगा और साइन बाय कोस आपके पास हो जाएगा टेन एक्स और कोस बाय कोस आपके पास हो जाएगा वन। ये लो इतना हो जाएगा। अब बस अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। वन प्लस टेन एक्स को टी मान लेना, वन प्लस टेन एक्स को टी माना तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो हमें इंटीग्रेशन करना है डी टी अपॉन टी स्केयर का और आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टी होता है, प्लस आ जाएगा सी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सी लगाने की जरूरत है नहीं और टी की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। आपने टी किसको माना था, तो टी हमने माना था वन प्लस टेन एक्स को, तो माइनस का वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, यहां पर लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या पुट करनी है, जीरो से लेकर पाई बाय फोर, माइनस बाहर पड़ा ही है। जैसे ही पाई बाय फोर पुट करोगे तो वन अपॉन टू बनेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। जैसे ही जीरो पुट करोगे तो ये वन बनेगा, तो ये बन गया माइनस का हाफ, उसके बाहर माइनस भी पड़ा है तो प्लस का हाफ आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यह क्वेश्चन था, बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए आप सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं, यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा। हम जानते हैं कि x अपॉन मोड x जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है अगर x आप पॉजिटिव लेते हो, इसकी वैल्यू माइनस 1 होती है जब x आप नेगेटिव लेते हो, क्योंकि जब पॉजिटिव लेंगे तो मोड हट जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। नेगेटिव लेंगे तो नीचे वाला पॉजिटिव उतना ही ऊपर वाला नेगेटिव होगा और सेम वैल्यू जो वापस में कैंसिल होगी तो आपको माइनस वन मिलेगा। तो मुझे माइनस वन से माइनस टू से माइनस वन जाना है, मतलब नेगेटिव के पोर्शन की बात कर रहे हैं और नेगेटिव में इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है माइनस टू से लेकर माइनस वन तक। और माइनस वन का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं माइनस एक्स होता है, माइनस टू से लेकर माइनस वन। मैं माइनस को पहले बाहर निकाल लेता हूं, इसके बाद इसके अंदर लिमिट पुट कर दूंगा। तो जब पहले अपर लिमिट पुट करी तो माइनस वन, लोअर लिमिट पुट करी तो प्लस का टू हो गया, तो यहां पर आपका आंसर आ गया माइनस वन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माइनस वन इसका आंसर है। इस बात को याद रखें कि चाहे एक्स अपॉन मोड एक्स हो चाहे मोड एक्स अपॉन एक्स हो, इसकी वैल्यू वन होती है जब एक्स पॉजिटिव हो, इसकी वैल्यू माइनस वन होती है जब एक्स नेगेटिव हो। तो ये थे हमारे पास दो क्वेश्चन।